हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम. प्राइस ऑफ सुगर इज डिक्रीज्ड बाय ₹5. अभी सबसे पहली बात, अगर प्राइस डिक्रीज होगा था तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, राइट? ओके, प्राइस ऑफ सुगर डिक्रीज्ड बाय ₹5 पर केजी. वन कैन बाय वन, यानी एक इंसान, राइट, कोई भी, वन कैन बाय वन केजी मोर सुगर इन ₹150. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द सुगर? अभी सबसे पहली बात कि एक अंकल है जो, जैसे हम पेट्रोल हमेशा ₹100 या ₹200 फिक्स उसका ही डालते हैं, वैसे एक अंकल है जो ₹150 का ही सुगर लेते हैं, ठीक है. अभी सुगर का प्राइस ₹5 कम हो गया, फिर भी वो अंकल ले रहे ₹150 का ही, तो अभी वो अंकल को पहले से वन केजी ज़्यादा सुगर मिल रहा है. तो हमें सुगर का प्राइस फाइंड करना है, ठीक है. हम सपोज कर लेते हैं कि सुगर की प्राइस एक्स है, ठीक है, तो ₹X में कितने केजी सुगर आएगी. तो जैसे मैं बोलूं आपको कि ₹50 केजी है, ठीक है, और मेरे पास ₹150 है, तो मुझे शॉपकीपर कितने केजी सुगर देगा? दैट्स 150 डिवाइड बाय 50, 3 केजी, इजंट इट. अभी मैंने इधर क्या किया, एक्स प्राइस ले लिया है, ₹X per kg, ठीक है. तो इधर ₹150 में 150 अपॉन एक्स, इतने केजी सुगर मिलेगा, जितनी 1 kg की प्राइस है उसे डिवाइड करना है. अभी फ्रेंड्स, उसमें प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैंने कम कर दिया -5. अभी कितने केजी मिलेगी? एक्स माइनस फाइव. अभी डिफरेंस कितना है? तो 1 kg का डिफरेंस है. अभी फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है कि यही मैंने पहले क्यों लिखा और ये मैंने बाद में क्यों लिखा. तो ये मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये पैसे में, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा सुगर आएगी और ये कम सुगर आएगी, तो ज़्यादा पहले आता है इक्वेशन में, आपको याद रखना है. और ये माइनस है तो ये कम प्राइस है, और कम प्राइस होगा तो ज़्यादा सुगर आएगी. अभी सबके नीचे एक्स एक्स माइनस फाइव चाहिए. इधर एक्स माइनस फाइव है तो एक्स, इधर ऑलरेडी एक्स है तो एक्स माइनस फाइव, और वन के नीचे कुछ नहीं है तो एक्स एक्स माइनस फाइव दोनों. अब ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबका हो गया एक्स एक्स माइनस फाइव, एक्स एक्स माइनस फाइव, ये वन की वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे हैं. 150 into x 150x, ठीक है, माइनस 150 into x 150x, ठीक है. अभी 150 into 5, हियर एक्स स्क्वायर माइनस 5x. अभी ब्रैकेट लीव करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है. अभी लाइक टर्म्स साथ में लिखेंगे तो भी लाइक टर्म्स क्या हो जाएगी, 150x 150x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. तो क्या रह गया, तो हमारा रह गया है एक्स स्क्वायर, जो ये साइड है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 750. अभी हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, हमारी कंडीशन बनेगी हमें मल्टीप्लाई करो तो चाहिए 750 और प्लस करो तो चाहिए 5. इधर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है. अभी हमें 750 के स्मॉलेस्ट पार्ट करना है, ठीक है, और डिसाइड करना है कि ऐसे कौन से पार्टीशंस है. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेट स्टार्ट विथ 2, 2 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10. अभी कंपलसरी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, 5 15 75, 5 3 15, एंड 3 1 3. अभी इसमें से आपको टीम सोचनी है जो आपकी कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है. तो अभी आप क्या करोगे, कोई भी टीम ले लेंगे, जैसे 2 5 10 5 10 10 5 50 50 15 नहीं होगा, चलो उसको रहने दो. लेट्स से 5 5 25 एंड 5 3 15 2 30, 30 25, हाँ मैचिंग लग रहा है, लिख दो 30 25 30 25. अभी इसका साइन क्या है, प्लस है, और ये बिगर नंबर साइन होता है, तो हमें इसे प्लस देना पड़ेगा कंपल्सरी. तो ये माइनस, ठीक है, किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है, इजीली हमने डिटेक्ट कर लिया, दोनों कंडीशन फुलफिल, मल्टीप्लाई 750 प्लस करो तो प्लस 5. सो ये जो पार्टीशंस थे वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. अभी हम क्या लिखेंगे, -30x + 25x, जिसको ये कंडीशंस एंड पार्टीशंस लिखने हो, जो प्रोसेस मैंने की, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे हम सम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा माइनस एक्स, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स, माइनस प्लस का माइनस क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ठीक है. इधर कॉमन निकालने की, ये दोनों से कॉमन निकालने की टेक्निक क्या है, इसको पहले ब्रैकेट की पहले टर्म से डिवाइड करो, एक्स से क्या रह गया 25, तो ये हो जाएगा 25 कॉमन इनटू ब्रैकेट एक्स माइनस 30, दोनों के बराबर जीरो ले लो, ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 25, ये हो जाएगा 30. प्राइस नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा प्राइस हो गया ₹30, ठीक है. अभी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर सकते हो. देखो ₹30 में वो अंकल को कितने केजी सुगर मिलेगा, तो लेट्स से 150 डिवाइड बाय 30, वो अंकल को मिल जाएगा 5 केजी.
अभी प्राइस 150 की जगह हो रहा है 25, क्योंकि 5 रुपीस कम हो गया है। तो अभी कितना केजी मिलेगा? 6 केजी, तो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, प्राइस कम होने से तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है।